गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं बायोलॉजी एनसीईआरटी का अध्याय 2, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम आज बायोलॉजी एनसीईआरटी 12th क्लास चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन जिसका नाम है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहां पर अभी हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, तो हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे, यानी जो वो प्लांट्स या वो पादप वो पौधे जो पुष्प का निर्माण करते हैं, यानी जिनके अंदर पुष्प होता है, फूल होता है, उस उन पादपों के अंदर हम लैंगिक प्रजनन को देखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन पढ़ें, तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन के लिए जो है विशेष प्रकार के प्रजननांगों की आवश्यकता होती है। इसके पहले हमने अलैंगिक प्रजनन देखा, उसमें किसी प्रकार के कोई विशेष प्रजनन अंग नहीं होते, लेकिन इस प्रकार के प्रजनन में विशेष प्रकार के प्रजनन अंग चाहिए जिसके द्वारा ये प्रजनन होता है। तो यहाँ पर एक जो पुष्पी पादपों में प्रजनन जो होता है, तो उसमें महत्वपूर्ण जो लैंगिक अंग कौन सा है? पुष्प ही होता है जिसके अंदर महत्वपूर्ण प्रजनन अंग पाए जाते हैं, जो कि प्रजनन में भाग लेते हैं और लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो इस प्रकार के लैंगिक प्रजनन के अंदर जो लैंगिक प्रजनन होता है, उस लैंगिक प्रजनन में जो होता है वो दो युग्मक की आवश्यकता होती है। दो युग्मक की आवश्यकता होती है, यानी एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। ठीक है, दो युग्मक की आवश्यकता होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स की आवश्यकता होती है। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनता है? ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा और क्या बनाएंगे? युग्मनज। ठीक है, क्या बनाएंगे? ये युग्मक मिलकर, नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स मिलकर क्या बनाएंगे? युग्मनज, जिसको बोला जाता है जायगोट। ठीक है, तो जायगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है लैंगिक प्रजनन के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे पुष्प होते हैं, उनके अंदर ये भाग होते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक होते हैं और वो मिलते हैं और जिससे युग्मनज जायगोट बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दो युग्मकों की आवश्यकता होगी, नर युग्मक की और मादा युग्मक की, जो कि मिलकर क्या बनाएंगे? युग्मनज जायगोट। उसके अलावा लैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें इसका बहुत महत्व है, हम इसका लाभ देखते हैं। लैंगिक प्रजनन के लाभ क्या देखते हैं? लैंगिक प्रजनन के लाभ, तो लैंगिक प्रजनन के यदि हम लाभ देखें तो इसके बहुत सारे लाभ। लैंगिक प्रजनन जो होता है इससे इसमें क्या होता है कि दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है, लैंगिक प्रजनन के अंदर दो जीव भाग लेते हैं और जब दो जीव भाग लेंगे तो दोनों जीवों के गुण उसके अंदर, नए जो संतति बनेंगे उसके अंदर आएंगे। यानी लैंगिक प्रजनन में बहुत सारी विभिन्नता आने का ज्यादा चांस होता है, जिस जो कि जीवों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जिससे वो उनके अंदर अनुकूलताएं आएगी, अनुकूलित होंगे और वो कैसे भी पर्यावरण में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, यानी अपने आप को बचा सकते हैं और अनुकूलन कर सकते हैं, विभिन्न विपरीत दशाओं में रह सकते हैं, यानी उनके अंदर विभिन्नताएं आएंगी और वह विभिन्नताओं के द्वारा उनका विकास होगा, इससे अनुकूलन आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो ये लैंगिक प्रजनन में होता है। उसके अलावा लैंगिक प्रजनन
का ये जो लाभ हुआ, ठीक है, कि उनमें उनके अंदर विभिन्नताएं आएंगी, अनुकूल अनुकूलन आसानी से होगा, ठीक है, वो विभिन्न प्रकार के वातावरणों में अपने आप को जीवित रख सकते हैं, ठीक है, तो ये लैंगिक उद्दीपन। उसके अलावा यहाँ पर जो संतति बनेगी उसके अंदर दोनों जीवों के गुण होंगे, ठीक है, दोनों जीवों के गुण होंगे और वो जो है स्वस्थ संतति का निर्माण होगा यहाँ पर, ठीक है, विकासशील संतति बनेगी यहाँ पर। तो लैंगिक प्रजनन के बहुत सारे लाभ हैं। इसके अलावा लैंगिक प्रजनन की हानि देखे हम, कुछ हानियां भी हैं लैंगिक प्रजनन की। लैंगिक प्रजनन से हानि, तो हानि की बात करें तो इसे कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि लैंगिक प्रजनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है, यहाँ पर दो जीव चाहिए, सिंगल जीव से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़े, क्या होगा, यहाँ पर दो जीव होंगे तो ही लैंगिक प्रजनन होगा, तो ये एक कमी है। उसके बाद में कभी कभी विभिन्नता इतनी अधिक आ जाती है कि वो अपनी जो मात्र जो हम जनक हैं उनसे ही वो बहुत ज्यादा भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा, यदि हम मनुष्य की बात करें तो आपने देखा होगा कई बार मनुष्य के अंदर भी इतनी विभिन्नताएं आ जाती है कि अपने जो पैतृक जो माता पिता है उनसे भी वो संतति क्या हो जाती है, बहुत ही अलग हो जाती है, ठीक है। क्यों अलग हो जाती है, क्योंकि विभिन्नताएं ज्यादा आ गई और विभिन्नताएं ज्यादा आने के कारण वो अपने जो जनक है उनसे ही वो क्या हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है। तो मनुष्य में भी हम कई बार देखते हैं कि माता पिता अच्छे होते हैं लेकिन उनका जो चाइल्ड होता है वो कई प्रकार की डिसेबिलिटी उसके अंदर होती है। वो डिसेबिलिटी कहाँ से आ गई, वो डिसेबिलिटी आ गई विभिन्नताओं से, तो वो उसके अंदर विभिन्नताएं ज्यादा आ गई जिससे वो अपने माता पिता या जनक से ही अलग हो गया। तो ये कुछ हानियां भी है कि यहाँ पर दो जनक की आवश्यकता होती है और कभी कभी विभिन्नता इतनी अधिक आ जाती है कि वो अपने जनक से ही पूर्ण तरीके से भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये उसकी कुछ कमियां थी लैंगिक प्रजनन की, ठीक है। तो लाभ तो है, इससे बहुत लाभ है, लेकिन कुछ हानियां भी है जो कि मैंने आपको बताया क्या क्या हानियां होती है, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं कि जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या वही की वही बनी होती है। कोई सा भी आप जीव ले लो, सभी के अंदर गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, समान। यदि हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र आपको मिलेंगे, ठीक है, यानी 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र मनुष्य के अंदर फिक्स है। ऐसे ही सारे जीव के अंदर गुणसूत्र की संख्या भी क्या होती है, फिक्स। तो यदि हम देखें कि जो गुणसूत्र के जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें गुणसूत्र दो, जब दो जीव भाग लेते हैं तो गुणसूत्र क्या हो जाने चाहिए, डबल हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, डबल नहीं होते, गुणसूत्र वही के वही रहते। यदि मनुष्य में हम बात करें, जैसे आप और हम हमारे माता पिता से जन्मे हैं, तो हमारे माता के 46 गुणसूत्र और हमारे पिता के 46 गुणसूत्र कितने हो जाने चाहिए, डबल डबल हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुणसूत्र जो हमारे 46 उनमें भी होते हैं और 46 हमारे में भी होते हैं, गुणसूत्र नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे ही पुष्पों के अंदर भी, यानी यहाँ पर भी पौधे के अंदर डबल गुणसूत्र हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या कारण होता है ऐसा कि डबल गुणसूत्र नहीं हो रहे हैं? इसका कारण यह है कि जो युग्मक बनते हैं, मादा युग्मक नर युग्मक, तब अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, हैप्लोइड, हैप्लोइड यानी आधी हो जाती है, यानी 46 की 23 हो जाती है। तो अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है जिसमें नर युग्मक में 23 हो जाते हैं और मादा युग्मक में भी गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, हैप्लोइड हो जाते हैं, यानी 23 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन से ये क्या हो जाते हैं, 23 23, और जब अर्धसूत्री विभाजन के बाद जब लैंगिक प्रजनन होता है तभी नर युग्म मादा युग्म मिलकर फिर से 23 23 मिलकर क्या बना लेते हैं, 46 गुणसूत्र बना लेते हैं। तो इस प्रकार से गुणसूत्र की संख्या वही रहती है जो माता पिता के अंदर होती है, 46 46 46 46, या जो पौधे के अंदर पहले जो होती है अपने जनक में होती है वही संतियों में भी गुणसूत्र होते हैं, वो कभी भी बढ़ते नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ते, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे आधे, और फिर जब दोनों युग्मक मिलते हैं तो 23 नर युग्मक पे 23 मादा युग्मक के मनुष्य के अंदर, ठीक है। लेकिन
हर चीज के अंदर अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, तो आधे नर से मिलेंगे आधे मादा से मिलेंगे और फिर वो पूर्ण गुणसूत्र बना लेंगे, और फिर उन गुणसूत्र से बनी संतति के अंदर समसूत्री विभाजन होता जाता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा गुणसूत्र बढ़ते जाते हैं और उसका विकास होते जाता है। तो इस प्रकार से गुणसूत्र नहीं बढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। और मैंने बताया आपको क्यों नहीं बढ़ते, किस कारण नहीं बढ़ते, ये मैंने आपको कारण बताया, ठीक है। और हम आगे देखते हैं, हम आवृत बीजियों के जीवन चक्र की बात करें तो यहाँ पर उनका बीज सीड्स होते हैं जो कि द्विगुणित होते हैं, कुछ भी पादप बीज भी द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित, ठीक है, बीज होता है, ठीक है, कुछ भी पादप फूल और उसके बाद पुष्प होते हैं। पुष्प के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो नर जनन अंग और मादा जनन अंग, ठीक है। नर जनन अंग जो होता है उसमें पुंकेसर होता है, फिर पराग कोश होते हैं, ठीक है, पराग कोश से परागकण बनते हैं, परागकण जो होते हैं वो लघु बीजाणु के द्वारा परागकण बनते हैं, ठीक है, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। यहाँ पर भी मादा के अंदर स्त्रीकेसर होता है, स्त्रीकेसर के बाद बीजाण और बीजाण से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। लघु बीजाणु के द्वारा दो युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और दो युग्मक, नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकंड, दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, दोनों में गुणसूत्र क्या होते हैं, हैप्लॉइड। और गुरु बीजाणु के द्वारा मेगास्पोर के द्वारा बनता है आपका द्वितीय केंद्र और अंड एग, ठीक है। और उसके बाद जो लघु बीजाणु के द्वारा दो नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकंड, तो एक तो नर युग्मक जो बनता है वो कहाँ काम में आता है, अंडे के साथ संलयित हो जाता है, ठीक है, अंडे और नर युग्मक फर्स्ट मिलकर क्या बना लेते हैं, जायगोट, ठीक है, जायगोट बना लेते हैं एंड हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड जो है द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं। ये द्विगुणित जायगोट क्या होता है, भ्रूण, ठीक है। बीज के अंदर दो चीजें होती है, एक तो भ्रूण होता है, जो बीज किसी भी पौधे का जो बीज है उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो भ्रूण होता है, ठीक है, जब कभी हम बीज को लगा देते हैं तो वो बीज फिर उसके अंदर पाए जाने वाला भ्रूण के अंदर गुणन होता है और वो वृद्धि करके पौधा बनाता है। और भ्रूण के अलावा उसके अंदर होता है भ्रूणकोष, मतलब जब आप बीज को लगा देते हो मिट्टी में तो उसको पोषक तत्व तो चाहिए ना भाई, उसको वृद्धि करने के लिए पौधा बनाने के लिए मिट्टी से बाहर आने के लिए पोषक तत्व की जरूरत होती है जो कि भ्रूणकोष के अंदर होता है। इस पोषक का उपयोग करके वो क्या आता है, बाहर आता है, मिट्टी से बाहर आता है बीज, तो उसके अंदर भ्रूणकोष भी होता है, भ्रूणकोष यानी जो कि भ्रूण को पोषण देता है जिससे भ्रूण बड़ा होकर पौधा बना सके। तो इस भ्रूणकोष के अंदर जो केंद्रक होता है वो तीन गुणित होता है, तीन गुणित यानी एक तो द्विगुणित केंद्रक अंदर होता है, ठीक है। हम आगे सब चीजें पढ़ेंगे, किस प्रकार से इनका निर्माण होता है सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन ये एक चक्र है, जीवन चक्र, जिसमें क्या क्या चीजें बनती वो हम देख रहे हैं। अब इन जीवन चक्र में सारी चीजों को हम पढ़ेंगे विस्तृत, किस प्रकार से कौन सी चीज बनती है, किस प्रकार से द्विगुणित तीन गुणित केंद्रक का निर्माण होता है, द्विगुणित केंद्रक कहाँ होता है, बीज के अंदर पौधे के अंदर पुष्प में कहाँ पर होता है, ये भी देखेंगे हम, की सारी चीजें देखेंगे। तो भ्रूणकोष जो होता है, भ्रूणकोष केंद्रक तीन गुणित होता है जो कि किससे बनता है, द्विगुणित केंद्रक से और एक नर युग्मक, जो लघु बीजाणु होता है जिससे किसका निर्माण होता है, नर युग्मक का। तो लघु बीजाणु के द्वारा दो नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक फर्स्ट और नर युग्मक सेकंड, तो नर युग्मक फर्स्ट तो अंडे से मिलकर जायगोट बना लेता है और नर युग्मक सेकंड जो बचा हुआ होता है वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है वो हैप्लॉइड, और ये डिप्लॉइड केंद्रक मिलकर, दोनों डिप्लॉइड केंद्रक 2n और n यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड मिलकर बना लेते हैं तीन गुणित भ्रूणकोष बना लेते हैं। और ये भ्रूणकोष भ्रूणकोष क्या देता है, पोषण, ताकि भ्रूण बड़ा होकर पौधे का निर्माण, वृद्धि करके पौधे का निर्माण कर सके। इस प्रकार से ये वो पूरी जो लाइफ साइकिल होती है। अब भ्रूणकोष के अंदर दो चीजें मिलकर बीज बनाती है, बीज पुष्प से द्वारा बनता है, ठीक है, पुष्प के अंदर बीजाणु होता है, बीजाणु से बीज का निर्माण होता है, ये बीजाणु ऊपर जो कि एक मादा मादा जनन अंग का भाग होता है, ये बीजाणु बीज बनाता है, ठीक है, यही बीज बनाता है, ठीक है। और बीज के अंदर दो चीजें होती है, भ्रूण और भ्रूणकोष, ठीक है, भ्रूणकोष यानी भ्रूण को जो है पोषण देता है जिससे वो वृद्धि करके पौधा बना लेता है। तो इस प्रकार से हमने ये आवृत बीज पौधों पादप जो है
औरत पिची पादप के जीवन चक्र के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से उनके जीवन चक्र में ये चीजें बनती है। इनको हम इस तरह एक एक करके जो है वो हम पढ़ेंगे, किस प्रकार से नर युग्मक बनता है, मादा युग्मक बनता है, ठीक है, सारी चीजें हम देखेंगे आगे। आज हम भाग एक में नहीं देखेंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। धन्यवाद, थैंक यू।